अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम बनाने वाले इंशाल्लाह क्रिस्पी भिंडी। और क्रिस्पी भिंडी के लिए हमने भिंडी पाव किलो लिए हुए और उसको धो के अच्छे से काट दिए हुए, और उसमें कुछ मसाले इस प्रकार के जाएंगे। मसाले आप इसमें धनिया 1.5 चम्मच लीजिए, धनिया पाउडर, मेरा चम्मच छोटा है, और जीरा लेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची की बुक्की, और थोड़ी सी हल्दी लेंगे और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे आप, आपको जैसा लगता है। और गरम मसाला 1/4 में, और थोड़ा सा काली मिरी पाउडर लेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और थोड़ा सा डाल देते हैं, और आधा नींबू है, आधा नींबू हमने इसमें निचोड़ लिया है, ये नींबू निचोड़ने के बाद में हम इसको मसाले को मिक्स कर लेंगे। आधा नींबू डाल दिया है और लगभग आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिक्स करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है कि एकदम लाइट हो जाए। ऐसा करिए कि थोड़ा गाढ़ा ही रहे। ये देखिए कैसा दिख रहा है, मस्त है ना, माशाल्लाह। आप भी बना के खा के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। हमने तो बिस्मिल्लाह बोल के शुरू कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी। हमने मसाला भी मिक्स कर लिया है, अभी भिंडी खोल के इंशाल्लाह उसके अंदर मसाला मिक्स करेंगे हम लोग। आप हाथ से भी कर सकते हैं, मैं तो चम्मच से कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये भी हम अंदर मिक्स कर रहे हैं मसाला, अभी पूरा नहीं दिखा सकते, बहुत भिंडी है ना। फिलहाल आप भी ऐसा कर लो, फिर इंशाल्लाह इसके बाद में जब प्रोसेस फ्राई का आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, हमने मसाला सारी भिंडी में लगा लिए, अब ये जो घी है इसमें मैं घी में फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। और यह हमारी भिंडी जा रही है, और उसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक डीपली फ्राई ना हो जाए। और इसके हर बाजू फ्राई करना है घुमा घुमा के। देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से अच्छे से हो रही है भिंडी, और इसको थोड़ी देर और 5 मिनट और रखना है। ये देखिए बहुत भारी माशाल्लाह, टेस्ट में भी खुशबू भी अच्छी आ रही है, और आप लोग भी बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएंगे।
ये माशाल्लाह से हमारी क्रिस्पी भिंडी बन चुकी है और फिलहाल तो हम लोग को बच्चों ने बहुत परेशान किए, इसलिए और आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आप सब सेफ रहिए और घरों में रहिए, अपने मम्मी डैडी का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली कोई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, नए डिशेस के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।